कर लेना जितना। मनु मनु तो इतना छोटा है, मनु ही कहने में तो ज्यादा प्यार लग रहा, अच्छा लग रहा। और उपस्थित सारे सम्मानीय देवी और सज्जन, जैसा मेरे ही सरदार जोगिंदर सिंह जी ने कहा, इसमें शायद ही कोई होंगे जिनको नाम से हम लोग नहीं जानते होंगे, जो जो हम लोग के मित्र नहीं है और जगमोहन सिंह जी के परिवार के मित्र नहीं है, लेकिन समय का अभाव है और दिल्ली शहर ऐसा हो गया है कि पूरा फंक्शन होते ही रहता है और अब पुराने लोगों की कमी हो गई है। मैंने सोचा था कि जब हम लोग पुराने हो जाएंगे तो हम लोग का डिमांड कम हो जाएगा, और मनु को तो मैंने अपना एज बताया ही नहीं है, क्योंकि इतना यंग है कि मनु सोचेगा इतने बुजुर्ग को बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन मनु मुझे कभी नहीं भूलता है, मैं आपको बताऊं। और मैं आज ये कह सकता हूँ जगमोहन सिंह जी के यादगारी में आपके तरफ से और अपनी तरफ से ट्रिब्यूट पे करते हुए कि मनु इज वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर, इसे कहने मुझे कोई हिचक नहीं। सरदार जगमोहन सिंह जी के बारे में काफी कहा जा चुका, डॉक्यूमेंट्री भी दिखाया जा चुका, क्या डॉक्यूमेंट्री भी दिखाया जा चुका। और बात तो सही है कि जगमोहन सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर तो किताब ही लिखी जा सकती है, इतने थोड़े शब्दों में नहीं कुछ ज्यादा कहा जा सकता है। लेकिन ये हम अवश्य कहेंगे कि उनकी उनमें जो मैंने विशेषता देखा, चुके हम जब वो तमिलनाडु में भी राज्यपाल थे तभी उन्होंने फंक्शन कराया, और देश में देश के बाहर जगमोहन जी का सबसे जो बड़ा सोच है जिसको आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि भारत में लोकतंत्र है, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में एनजीओ का भी बड़ा भारी रोल है, एनजीओ का डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल है, और एनजीओ के जरिए आप गवर्नमेंट के एफर्ट को भी एक तरह से सप्लीमेंट करते हैं और लोगों का भला तो करते हैं, लोगों को तो इन्वॉल्व करते ही, और खास करके ऐसे वक्त में जब एक नई नीति जगमोहन उसमें मनमोहन सिंह जी और डीवी नरसिम्हा राव जी को याद करना पड़ेगा, जब उदारीकरण का जमाना आया हमारे देश में तो उस वक्त जगमोहन सिंह जैसे लोगों में, क्योंकि दो बातें थी जैसे मैंने कहा कि जिक्र करूंगा, जगमोहन सिंह जी में करेज था, साहस और कन्विक्शन, ये दोनों जगमोहन सिंह जी में मैंने खुद भी देखा, क्योंकि जब तक आप एक चुनौती है, मान लीजिए किसी संस्था को जब आप प्रारंभ करेंगे और एक सोच के आधार पर प्रारंभ करेंगे तो जब तक साहस नहीं होगा तब तक आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और दूसरा कन्विक्शन आप खुद ही कमिटेड उस कॉज के लिए हो, तो वो कमिटेड थे, और जिसका अंजाम ये मैं आपको कह सकता हूं कि आज हम लोग लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एनजीओ को जो रूप में उन्होंने बहुत दुनिया के अपने तमाम लोगों को जोड़ा है और हम लोग सबसे जोड़ा है, सब पूछिए तो अपने लिए सिर्फ नहीं जोड़ा है, और उनकी संस्थाएं जो खड़ी की हुई हैं, उनके जो मैगजीन्स निकलते हैं, अब ऐसे तो हम सारे परिवार को जानते हैं, उनके पिताजी से लेके उनको या मनु या सारे परिवार जितने हैं सबको जानते हैं, और हमारा सौभाग्य है क्योंकि सरदार त्रिलोचन सिंह जी वहां बैठे हुए, क्या त्रिलोचन सिंह जी मेरा सौभाग्य तो है ना, कि ये सब मिलकर के आज जितने लोग हैं उसको गार्जियन मानते हैं, आजकल तो अपना ही परिवार इंसान को जल्दी से गार्जियन नहीं मानता है, लेकिन कितना बड़ा अच्छा इस संस्कार का संस्कार इस परिवार को मिला होगा कि मेरे जैसे असाधारण आदमी को भी सब गार्जियन मानते हैं। और मनु की बात मैं उठा नहीं सकता था, मनु ने लेकिन मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस दिया, सच मैं आपको बताऊं, अब मेरा एक दूसरा कमिटमेंट तो हम तो पूरे टाइम तक यहीं होते, कैसे छोड़ के जा सकते, लेकिन हम लोग सबके तरफ मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग सब जब बोलेंगे और खास करके ये जब बोलेंगे हमारे त्रिलोचन सिंह जी, तो जो बातें मुझसे छूटी होंगी जरूर कहेंगे, हम पक्का जानते हैं इस बात को, तो इसलिए आप सब लोग से यही मैं ये कहना चाहूंगा उनको ट्रिब्यूट करते हुए कि मुझे आप इजाजत देंगे, और आप लोग के तरफ से भी मैं ट्रिब्यूट पे करता हूँ, क्योंकि उम्र में शायद हमसे बड़ा शायद ही कोई होगा इस पूरे ऑडियंस, तो इसलिए आप लोग की तरफ से मैं ही दे दूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, और वो जैसा कहा गया जहाँ भी उनकी आत्मा को शांति मिले और वहीं से सबको वो गाइड करते रहे अपने शुभकामना और आशीर्वाद से। जय हिंद।